स्पष्टीकरण लोगों ने किन बातों पे जिज्ञासा जताई कि इन पे स्पष्टीकरण चाहिए, ये क्लियर नहीं है या इसमें ये कमी है। जो बिंदु नोट कराए वो हमने नोट कर लिए थे। अशोक जी, अशोक दावले जी उसको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले हमारे जो सीनियर नेता जो ऑब्जर्व कर रहे थे सारी कार्रवाई को सुबह से, चाहे वो 5 सदस्यीय कमेटी की हो या संयुक्त किसान मोर्चे की हो, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो अपना निष्कर्ष आपको बताएंगे। तो मैं राजेवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो रखें। ऐसे है, सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, हमने आपस में 5 मेंबर्स कमेटी में उसे डिस्कस किया, उसके बाद हमने एसकेएम में उस प्रस्ताव को सभी साथियों के सामने रखा। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार एमएसपी के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और एसकेएम के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं, तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी। इसका स्पष्टीकरण सरकार से लिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नज़दीक के राज्य हैं उसमें, उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता, इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को जो एसकेएम की मीटिंग थी उसने हदायत कर दी। और बस यही था जो बाकी सरकार ने जो जितने बिंदु हमारे सामने रखे उसमें सबसे बड़ा इतराज इस बात पे था कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे, ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। दावले जी, साथियों, आज पहली बार इस आंदोलन के शुरू होने के बाद सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबरी कमेटी के पास आज दोपहर में प्रस्ताव आया, गृह मंत्रालय से वो प्रस्ताव आया। उसके पहले उनके साथ चर्चा हुई और इस प्रस्ताव के बारे में जैसे अभी राजेवाल जी ने बताया, युद्धवीर जी ने बताया, ये बात हम अच्छी समझते हैं कि सरकार ने कुछ लिखित रूप में एक प्रस्ताव दिया, वो अंतिम प्रस्ताव वो भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। उसके ऊपर आज संयुक्त किसान मोर्चा के सामने हमने वो प्रस्ताव को रखा और बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा हुई। कुछ बिंदुओं के ऊपर हमारे कई साथियों के मन में कुछ संदेह था, कुछ उनके सुझाव थे, लेकिन ये सब कंस्ट्रक्टिव सुझाव थे। इस प्रस्ताव को और ज्यादा अच्छा करने के लिए ही वो सुझाव हमारे सभी साथियों ने दिए। उसके अंदर 3-4 बातें बहुत ही संक्षिप्त में मैं कहूंगा। 2 बातें तो राजेवाल जी ने कही है, एमएसपी के बारे में जो कमिटी का जो उन्होंने कबूल किया था उसके अंदर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके साथ में कृषि तज्ञ, इसके बारे में हमारा कोई दुमत नहीं है, वो बात सही है, लेकिन उसके अंदर किसान संगठन और उसके भी संयुक्त किसान मोर्चे की भी नुमाइंदे उसके अंदर होंगे। उसमें हमारे सभी साथियों की आपत्ति थी 1 साल तक आंदोलन
ये पूरे देश में एमएसपी के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है, और इसलिए एमएसपी वाले कमेटी में जो किसान संगठन ये केंद्रीय कानूनों के पक्ष में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, एमएसपी मिल नहीं सकती ये भूमिका ले रहे थे, ऐसे भी किसान संगठनों को शायद उस कमेटी में उनका भी वहां समावेश होगा। तो हमारी आपत्ति ये है, केंद्र सरकार के बारे में सवाल नहीं, राज्य सरकारों के बारे में सवाल नहीं, या उनके कृषि तज्ञों के बारे में सवाल नहीं, लेकिन जो नुमाइंदे होंगे किसान आंदोलन के, ये संयुक्त किसान मोर्चा से होने चाहिए। ये उसके अंदर एक पहले आपत्ति का सवाल था। दूसरा सवाल, जो केस वापस लेने की बात है, कई साथियों के अंदर ये एक संदेह है कि ये कब होगी ये प्रक्रिया। उसके अंदर लिखा है आंदोलन वापस लेने के बाद हम शुरू करेंगे। हमारा कहना है कि ये एक विश्वास की बात है। अगर केस तुरंत, ये बात लिखनी चाहिए कि केसेस, और आप जानते हैं अकेले हरियाणा में 48,000 हमारे किसान भाई और बहनों के ऊपर आज केसेस जारी है हरियाणा में, एक ही राज्य में। उसके साथ यूपी में है, उत्तराखंड में है, पंजाब के सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि भाई हम पूरे केसेस वापस लेंगे, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, और पूरे देश भर में ये रेलवे डिपार्टमेंट के जहां जहां रेल रोको हुआ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक रेलवे के केसेस, सैकड़ों केसेस है हमारे हजारों साथियों के ऊपर। तो ये सब चीज कुछ एक समय टाइम बाउंड इसके अंदर वापस लेना चाहिए, उसका तुरंत शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है, अक्सर हुआ है, जिसके बारे में आपको अभी शिव कुमार जी आपको मंदसौर का उदाहरण देंगे आपके सामने, ये सब किसान आंदोलन के उदाहरण हमारे सामने है, 5 साल हुए तो भी आज केसेस चालू है वहां पर। तो ये बात है। तीसरी बात, मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, उनके परिवारों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा, ये बात है। इसके बारे में बिजली बिल के बारे में उन्होंने लिखा कि सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा होने के बाद ही हम ये बिजली बिल हम उसके सामने पार्लियामेंट के सामने लाएंगे। सही बात तो यह है, 22 जनवरी के पहले जो हमारे 40-43 सदस्यों के साथ जो वार्ता के दौर चले थे, उनके अंदर सरकार ने यह कबूल किया था कि बिजली बिल हम पार्लियामेंट के सामने नहीं लाएंगे, ये हमारे स्कीम के साथ जो पहले चर्चा हुई थी। लेकिन आज हम देखते हैं पार्लियामेंट के सामने वो लिस्टेड है, वो बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसकी वजह से न सिर्फ किसानों का नुकसान होगा लेकिन वो निजीकरण की वजह से पूरे देश के सभी लोगों का बिजली का बिल बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। तो ये बात को उन्होंने कहा हम बात करेंगे और फिर लाएंगे, तो उसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये बिजली बिल पार्लियामेंट के सामने न आए, ये हमारा कहना है। देश की जनता को हम बचाना चाहते हैं, किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, पूरे जनता के लिए लड़ रहा है। पराली के बारे में 5वां जो इशू जो जिसके बारे में बताया, पराली के बारे में उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके अंदर कुछ हद तक उन्होंने मार्च महीने में कुछ कलम हटाए, कुछ उसके अंदर हटाए जरूर सरकार ने, वो अच्छी बात की, लेकिन साथ में पराली के बारे में
वो कानून के अंदर 15 नंबर का एक सेक्शन जो डाला उसके अंदर फिर से उन्होंने इसके बारे में जो जुर्माना लगाना है जो करना है उसके अंदर वो भी बात है। तो इसके लिए वो छोटी सी बात है, वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं वो, और किसानों को उसमें से पूरी तरीके से निकालना चाहिए। तो ये सब बातों के ऊपर हमारे सभी साथियों ने बहुत ही अच्छे किस्म से चर्चा की, लोगों ने इसका स्वागत किया कि सरकार ने कुछ न प्रस्ताव लाया है, वो हम भी जानते हैं, लेकिन ये बातें 5 मेंबरी कमेटी सरकार के साथ फिर से हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि ये सरकार इसके बारे में ठीक तरीके से सोच विचार करेगी। कल दोपहर को 2 बजे आज की मीटिंग जो स्थगित हुई वो कल फिर से 2 बजे होगी और उसके बाद फिर हम तय करेंगे, तब तक सरकार का कोई प्रतिक्रिया आएगा ऐसी हमारी उम्मीद है। और उसके बाद में छोटे छोटे मसले बाकी है, वर्डिंग के मसले कुछ बाकी है, कुछ इम्पोर्टेंट बाकी है, उसके ऊपर सरकार जरा सोच विचार करे और यहाँ तक आई तो और आगे जाए, ये हमारी उम्मीद के साथ कल जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी उसके अंदर आखिरी फैसला हमारा होगा ये सरकार की प्रतिक्रिया के बाद में। शिव कुमार जी बताएंगे और फिर गुरनाम जी आपके सामने बोलेंगे। साथियों नमस्कार। देखिए साथियों नमस्कार। देखिए इस बैठक की जो सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि प्रत्येक साथी ने यह कहा कि जो 5 मेंबरी कमेटी है उसको हम पूरे अधिकार देते हैं, वो जो निर्णय करेगी हमको मंजूर होगा। और साथ में ये भी विश्वास जताया कि संयुक्त मोर्चा अखंड रहे, एकजुट रहे, और जब तक संयुक्त मोर्चे का एक एक सिपाही सहमति नहीं देता है हम लोग उसके कंफ्यूजन को, उसकी सहमति को प्राप्त करेंगे। साथियों जो मुकदमों का अनुभव है जैसा कि अभी अशोक साहब ने बताया, रावली जी ने संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर मीडिया मुखातिबों के जानकारियां दे रहे हैं। हम जानकारी दी गई है कि सरकार वालों रस्मी तौर पर सद्दा दिता गया है, कई ते सहमति की गल कही जा रही है पर अंतरिम फैसला की होगा उस ते हले सस्पेंस बरकरार है कि SKM चाहता है कि ये अंदोलन खत्म होवे जा नहीं, क्योंकि सरकार ने भी कंडीशन रखी है। उसमें एक बात ये कही गई थी कि सरकार MSP के मामले में कमेटी बनाएगी जिसमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी अधिकारी, स्टेट्स के नुमाइंदे और SKM के नुमाइंदे शामिल होंगे। तो हमें इस पे इतराज था सभी साथियों को कि आंदोलन तो हम लड़ते रहे, अगर ऐसे लोगों से भर दिया कमेटी को जो पहले से कानून बनने में सरकार के साथ रहे हैं तो वहाँ मुश्किल खड़ी होगी, इसका स्पष्टीकरण सरकार से दिया जाए। दूसरी बात थी केसेस की, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नज़दीक के राज्य हैं उसमें, उसके बारे में ये तय हुआ कि पंजाब ने तो ऐलान कर दिया है, बाकी उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता, इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को जो SKM की मीटिंग थी उसने हदायत कर दी। मुआवजा का बात जो है, ये मुआवजे के बारे में सरकार ने ये रखा कि सैद्धांतिक रूप से हमें मुआवजा, हमारे शहीदों को 700 के ऊपर हमारे शहीद हुए हैं, सैद्धांतिक रूप से हमें मंजूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार ने जो मॉडल दिया 5 लाख रुपए का मुआवजा हर शहीद के पीछे और एक नौकरी, ये पंजाब सरकार ने जो ऐलान किया उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने भी अगर ये किया तो ये शहीदों को कुछ हद तक न्याय मिलेगा। गुरप्रीत मेरे सहयोगी इसी ते जानकारी दी सांझ पाउणगे। गुरप्रीत, सरकार दा पत्र तां मिलिया पर उस ते जिहड़ी शर्त लिखी गई है
उस नूं असीं किवें अते किहड़े संदर्भ च समझण दी कोशिश करिए। देखो कृष्ण, लगातार जिमें किसानों दी आपस दे विच मीटिंगां चल रही सन, तो उस तो बाद अज संयुक्त किसान मोर्चे की जिदा असीं पहले भी जिक्र किया कि काफ़ी अहम मीटिंग सी। इस दरम्यान उन्होंने एक प्रस्ताव आंदा पंज सूत्री एजेंडे का, जिस दे विच वख वख जो मंगा सी किसानों दियां वो दर्शाई गई ने केंद्र सरकार द्वारा, कि असी बहुत तफसील दे नाल तुहानू इह प्रस्ताव दे रहे हैं, तो उस तो बाद तुसीं अपना अंदोलन खत्म करो, तो जिस तो बाद असी इस ते पक्की तरह दे नाल मोहर लगावांगे। खास तौर पर मैं कृष्ण जेकर जिक्र करा तो जो मेन मुद्दा अड़िया होया सी केस वापस लैण दा, केस वापसी के मुद्दे लैके भी उन्होंने जो एक कंडीशन रखे केंद्र सरकार ने कि जो तक जे तुसी कहोगे कि असी वापस चले तो उस तो बाद ही है वह सारे केस वापस ले जाएंगे। पहली गल तो इस ते ही किसानों ने काफ़ी चिंता प्रगट की है, उन्होंने कहा कंडीशन नहीं होनी चाहिए, हालांकि मिल के बैठ के जेकर मसले का हल निकले तो वह ज़्यादा वधिया होंदा। तो इस दे नाल ही उन्होंने होर भी कई वक्त वक्त मंगा का जिक्र किया, भावें बिजली सोध बिल की गलबात हो, क्योंकि जो पहला मीटिंगा हुई सन तो उस बिजली सोध बिल में पेशकश ना करन की जो तजवीज़ रखी गई सी केंद्र सरकार द्वारा, वो शायद हुण मुकरदी हुई नज़र आ रही है। तो कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डरस के नाल गलबात करके ही है वो लोक सभा के अंदर पेश किया जाएगा। इस नूं लैके भी काफ़ी चिंता ने, तो अज्ज संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग दे विच सब ने अपने अपने जो खदशे ने प्रगट किए हैं। तो इस जेकर मुआवजे की गलबात की जाए कृष्ण, तो मुआवजे नूं लैके भी उन्होंने सीधे तौर पर गलबात की है कि जिवें पंजाब ने दिते ने कि 5-5 लाख रुपया मृतक के परिवार को, नाल एक सरकारी नौकरी, उस तरह के नाल केंद्र भी अनाउंस करे कि पूरे भारत के जिथे जिथे अंदोलन के संघर्ष दौरान जिन्हें किसानों की भी जान गई है उन्होंने भी 5 लाख रुपया तो एक सरकारी नौकरी दी जाए। तो नाल ही उन्होंने ये भी मांग की है कि जिन्हें प्रस्ताव हुण आए ने केंद्र सरकार द्वारा वो एक लिमिटेड कंडीशन लगाई गई, वो कंडीशन तो पासे होवे सरकार तो उस तो बाद ही कोई मसले का हल निकलेगा। इन्नी गल जरूर है कृष्ण के गल किसी तणपत्तन लगती हुई जरूर नज़र आ रही है, क्योंकि जो भलके यानी कि कल 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग रखी गई है उस दे विच एक इंतजार किया जाएगा टाइम पीरियड का, क्योंकि हुण तो बाद हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस की है किसानों ने, तो किसान की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद कल 2 बजे तक बिटवीन जो समय है उस समय के दौरान केंद्र सरकार का की रवैया की उन्हों का जो है बयान सामने आता इस लैके किसान लगातार उड़ीक रहे हैं कि उस तो बाद ही है कल 2 बजे की मीटिंग दे विच ही प्रॉपर कल 2 बजे चर्चा करेंगे उसमें। कल 2 बजे तक का सरकार को फिर जो उनकी चिट्ठी थी जो ऐतराज थे उनको भेज दिए, इन इस पर हमारा ऐतराज है, इस पर सब कुछ बताओ और फिर आगे 2 बजे बताओगे फिर हमें क्या करना। बैठ के बातचीत होती होगी टेबल पे या वही हो यार, अगर ये किसान नाराज होगा गाँव का कि तुम हमारे से बात नहीं करते हम तुम्हारे से बात नहीं कर देंगे, जब क्या होगा सोले सोले बात कर लो, जो जो मामले हैं उन्हें बैठा कर निपटा लो। तो कैसा बात किसान हुई थी एसकेएम की, उसमें आप शामिल थे किस तरह? नहीं नहीं मैं उसमें शामिल था, मैं उत्तराखंड। सो सहमति बनी भी है सहमति नहीं भी बनी, इतराज़ प्रगट किए गए ने, सरकार तक भेजे गए ने, इन खबरों की जानकारी भी चेन्नई।